बोकारो में बच्चे के अपहरण और फिर उसकी बरामदगी के मामले का सच तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल कक्षा पांचवी का छात्र हर्ष स्कूल से लौटने के वक्त लापता हो गया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने फौरन बच्चे को बरामद कर लिया। हर्ष का कहना है कि दो बाइक सवार ने उसे अगवा कर लिया था और फिर उसे ट्रेन में बिठा दिया, लेकिन किसी तरह वो दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस बोकारो पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। इस बीच हर्ष के पिता का कहना है कि वो लैपटॉप लेने धनबाद गया था और इसी दौरान भटक गया होगा। ऐसे में पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या वाकई हर्ष को अगवा किया गया था या फिर उसने खुद अपहरण की साजिश रची थी। फिर पूछा कि चलो, तो हम बोले कि नहीं जाएंगे। फिर हम दौड़ने लगे तो वो डांट के फिर बीच में बैठा लिया। फिर गोरी स्टेशन लाया, फिर ट्रेन में बैठाया, फिर ट्रेन में बैठा के फिर ले गया जयपुर। फिर वहाँ से कोई एक ट्रेन धरे थे, फिर आया था तो मुरी स्टेशन के पास अभी चढ़े उतरे थे। फिर उसे बोकारो का ट्रेन जाएगा तो बोले कि एक्सप्रेस है, अगर बोकारो स्टेशन है फिर बोकारो धरो, फिर आगे थे। अभी ये इनके फादर बताए, ये लड़का जो है हो सकता है कि धनबाद जा सकता है लैपटॉप लाने के लिए, ठीक है। उसी आधार पर हम लोग यहाँ पर खोजने के लिए आए हुए थे और सभी को सूचना दे दिए थे कि ऐसा ऐसा लड़का मिसिंग हुआ है। तो इस पर यहाँ के हवलदार साहब जो हैं वो बहुत अच्छा बबलू हैं, जो हवलदार बबलू बहुत अच्छा काम किए, लड़का को बरामद किए हैं और आगे हम लोग